हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। संध्या रमन आधार फाउंडेशन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है परिषेक। परिषेक कम्स अंडर द स्वेदन। चिकित्सा के अंडर ही परिषेक को हम लेते हैं। स्वेदन कई टाइप से होता है, जैसे लास्ट क्लासेस में हमने षष्टिकशाली पिंड स्वेदन देखा था, पोटली पिंड स्वेदन होता है, नाड़ी स्वेदन है, अवगाहा स्वेदन है, एंड दिस इज ए परिषेक स्वेदन। परिषेक स्वेदन के लिए हम जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, इसको हम ऑयल से भी कर सकते हैं, कषाया से भी कर सकते हैं, किसी मेडिकेटेड लिक्विड को पर्टिकुलर पार्ट या फुल बॉडी पे अप्लाई करना ही परिषेक कहलाया जाता है। सिनोनियम्स ऑफ परिषेक जो हैं, इसको हम धारा बोलते हैं, सेक बोलते हैं, अवसेक बोलते हैं, सेचना और प्रसेचना भी सिनोनियम ही है परिषेक का। परिषेक करने के लिए जो पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा रुक्षता हमारी बॉडी में है तो इसको हम 72 मिनट्स तक कर सकते हैं। अगर बॉडी में स्निग्ध और कफ का मिश्रण हुआ हुआ है तो हमें परिषेक 32 मिनट्स तक करना चाहिए। परिषेक करते वक्त हमें जो विशेष बातों का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस। हम कोई भी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, तेल है, कषाया है, दही है, दूध है, तकरा है, उसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 12 अंगुलियां। इसने डिस्टेंस पे 4 इंच के आसपास के डिस्टेंस के ऊपर से ही हमें परिषेक को पूरी बॉडी पे डालना चाहिए। परिषेक हम किन किन बीमारियों में दे सकते हैं? परिषेक हम गुल में, अनाहा में, व्रणा में, तूनी में, प्रतूनी में, शूल, जहाँ पे भी पेन हो रही है, कहीं पे भी इचिंग है या उदावर्त हो गया है, तोदा में, उदावर्त में, प्लीहा में, अदमान में और विध्रदी में, इन सब डिजीज़ में हम परिषेक को कर सकते हैं। कहीं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, उसमें परिषेक को किया जाता है, कहीं स्वेलिंग की कंडीशन है, इवन रूमेटिक अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स को, संधिवात वाले पेशेंट्स को भी हम परिषेक दे सकते हैं। टाइप ऑफ परिषेक देखेंगे, परिषेक जो है दैट इज़ ए धान्यामला धारा, स्नेहन धारा, कषाय धारा, तक्र धारा एंड क्षीर धारा। इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं परिषेक को देने के लिए। आज जो हम देखेंगे वो है प्रेपरेशन ऑफ परिषेक, जिसको हम कषाया धारा भी बोलते हैं, और कषाया से हम कैसे परिषेक को बनाया जाता है। सबसे पहले हम हर्ब्स, हम निरगुंडी, हल्दी, धतूरा, और आप ये देख रहे हैं कि लीव्स ऑफ धतूरा है। इसके बाद हम सफटिक को ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, स्मॉल स्मॉल पीसीज में। करने के बाद इसको हम एक वेसल लेंगे जिसमें हम गर्म पानी डालेंगे, और ये सारे ही हर्ब्स हमारे निरगुंडी हैं, हल्दी है, धतूरा है, इन सब को हम उस वेसल में डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम इतना गर्म करेंगे ताकि जो हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है वो 1/4 रह जाए। जब ये हमारा कषाया बन जाएगा तो इस कषाया को हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको हम किसी टब में या किसी वेसल में निकाल लेंगे। हमने अगर स्थानिक परिषेक करना है, फॉर एग्जांपल जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नी जॉइंट्स पेन के पेशेंट को हम कर रहे हैं। नी जॉइंट पेन में परिषेक करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को एक बेड पर लेटाएंगे। इसके बाद मेडिकेटेड ऑयल इन द फॉर्म ऑफ महानारायण तेल, धनवंतरी तेल, सहचर्या आदि तेल, या और भी कई मेडिकेटेड ऑयल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उस ऑयल से हम हल्के से इसके लेग्स की और नी जॉइंट्स की मसाज देंगे। मसाज जो है वो हमारी सर्कुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। करने के बाद हम इस पर परिषेक करेंगे। अगर हम इसको ऑयल से परिषेक कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्नेहन और स्वेदन दोनों ही साथ में हो रहा है। बट अब भी जो हम कर रहे हैं ये हम कषाया का परिषेक कर रहे हैं, इसलिए कषाया परिषेक करने से पहले हमें ऑयल एप्लीकेशन करना ज़रूरी होता है, अभ्यंगम ज़रूरी है, ताकि स्नेहन हो जाए। इसके बाद हम स्वेदन करेंगे। पेशेंट को किसी कंफर्टेबल चेयर पे बिठा देंगे, उसकी दोनों ही लेग्स को हम टब में डाल देंगे जहाँ पे हमारा कषाया बना हुआ है। धीरे से कषाया को हम उठाएंगे और उसकी लेग्स के ऊपर डालेंगे। इस प्रोसीजर को हम 20-25 मिनट्स रेगुलर करते रहेंगे। 10 मिनट की हम मसाज देंगे और 20 मिनट्स की हम धारा डालेंगे।
धारा डालते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो धारा है वो चार अंगुलियां ऊपर से उसके नी जॉइंट्स पे डलनी चाहिए। जब हम ये प्रोसीजर कर लेंगे, इसके बाद हम धतूरे के पत्ते को या आग के पत्र को या एरंड के पत्र को हल्का गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें सेंधा नमक और सरसों का तेल, लाक्षादी तेल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर वहाँ पे हमें स्वेलिंग भी है और कोई इंजरी की हिस्ट्री है तो हम लाक्षादी तेल लगाएंगे। अगर पेशेंट को कहीं स्वेलिंग की हिस्ट्री है तो वहाँ पे हम महानारायण तेल या धन्वंतरम ऑयल का यूज़ करेंगे। वो लगाने के बाद इस पत्र को हम डायरेक्ट, पत्र को लगाने के बाद हम जहाँ पे भी पेशेंट को पेन हो रहा है या स्वेलिंग है वहाँ पे इसको लगा दिया जाएगा। इसके बाद किसी क्रेप बैंडेज के साथ या पट्टी के साथ इसको आप धीरे से कवर करेंगे और टाइट कवर करेंगे ताकि पेशेंट को अगर स्वेलिंग है तो वो रिड्यूस हो जाएगी। कि धतूरे के पत्र और एरंड पत्र का मेन काम होता है, ये वात शामक भी काम करते हैं और स्वेलिंग को भी कम करते हैं। इसमें हमने सरसों का तेल मिक्स किया है जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। सरसों जो है वो हमारे पोर्स को ओपन करेगा और जो हमने ड्रग्स यूज़ करे हैं वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब होंगे, जिससे पेन जो है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ हम किसी तरह के लेपम को भी यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट केयर लेप है, दशांग लेप है, कोटम चुकादी लेप है, इन लेपम को यूज़ कर सकते हैं। हड़जोड़ की जड़ी बूटी को यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट को कहीं पर इंजरी की हिस्ट्री है या पेशेंट को कहीं पर स्वेलिंग ज़्यादा है तो पुनर्नवादी का भी हम यूज़ किया जा सकता है। इस तरह परिषेक करने के बाद हम पेशेंट को 15 से 20 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। सूतिका परिचर्या अध्याय में सूतिका के बारे में लिखा गया है, आफ्टर डिलीवरी अगर हम फीमेल को परिषेक करवाना चाहते हैं जो कि वात शामक ड्रग से हम करवाते हैं, तो उससे फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी जो पेन्स रहती हैं, जो धातु क्षयास हुए होते हैं, उन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। जिसमें हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो है ड्रमस्टिक, शिगरू को यूज़ करते हैं, एरंड को यूज़ करते हैं, करंज को यूज़ करते हैं, अजरका को यूज़ करते हैं, वासा, अर्क पत्रा, निर्गुंडी के पत्रा को यूज़ किया जाता है, इन सब दशमोल के ड्रग्स को यूज़ किया जा सकता है। इन सब को मिक्स करके एक कषाया बनाया जाता है जिससे सूतिका को फुल बॉडी हम परिषेक दे सकते हैं। हम मेडिकेटेड लिक्विड्स को भी ले सकते हैं। हम क्षीर धारा के लिए क्षीर में, दूध में जड़ी बूटियों को उबाल के उनसे हम क्षीर धारा दिया जा सकता है, या हमने तकर धारा करना है तो तकर को लेके उसमें आंवला के पाउडर को, या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पुनर्नवा को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम परिषेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स को पेन है या स्वेलिंग है तो परिषेक देने से उसकी पेन और स्वेलिंग कम हो जाएगी। थैंक यू।